मैम, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में डबल टैक्स को लेकर आपने याचिका दाखिल की थी, आपके साथ और दो याचिकाएं दाखिल की गई थी, दो याचिकाओं को कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया है और नए सिरे से जनहित याचिका दाखिल करने की बात की है। बीजेपी से मान रही है कि ये आपकी हार है और ये डबल टैक्स का जो मामला था कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। अब ये जब फैसला है तो उस फैसले को आप किस नजरिए से देख रही हैं? पनवेल महानगर पालिका ने जनता पर जो टैक्स लगाया है वो डबल टैक्स है, इलीगल है और अनजस्टिफाइड है और इसे जनता खुद मानती है और जनता को टैक्स अमान्य है। इसीलिए खारघर फोरम ने जनता के लिए, जनता के द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी और उसका कल 25 तारीख को सुनावनी हुई। उस सुनावनी के दरमियान ये जो याचिका है कहीं भी डिसमिस की गई नहीं है, इसका कहीं भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। जो आज लोगों में संभ्रम व्यवस्था पैदा की गई है, कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल कर जो लोगों को बताया गया है, एक्चुअली ये बॉम्बे हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का अवमान है, क्योंकि ये केस कहीं भी डिसमिस नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं निकाला हुआ है, रद्द नहीं हुई है। लेकिन हम लोग दो दिन तक कोर्ट के जो ऑर्डर्स आने के हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स आने में टाइम लग गया और जनता के को उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आज मैंने पत्रकार परिषद बुलवाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो डिसीजन हुआ है उसका जो फैक्ट ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बताया कि खारघर फोरम एक सामाजिक संस्था है जो लोगों के भले के लिए काम कर रही है, तो इसमें जो अफेक्ट होगा या जो बेनिफिट मिलेगा वो खारघर फोरम संस्था को नहीं मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, सो इसे PIL में दाखिल होना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि रिट पिटीशन को आप PIL में कन्वर्ट कीजिए। और रही बात हमारे मेन मुद्दों की, जो हमारे मेरिट के जो मेन मुद्दे हैं, कलम 99, कलम 129A, कलम 150 और डबल टैक्स, ये चार मुद्दों पर अभी तक हमारी कोई चर्चा हुई नहीं है। जब ये मुद्दे मेरिट पे आएंगे तभी हमारी असली केस चालू होगी, अभी खाली टेक्निकल इश्यू पे ही हमारा बात हुई है। लेकिन फिर भी लोगों में जो गलत बात फैलाई जा रही है उसके लिए मुझे आज ये पत्रकार परिषद देनी पड़ी। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे, जनता डरे नहीं और किसी के दबाव में भी ना आए, हम लोग ये लड़ाई बहुत जल्द जीतने वाले हैं। तीन याचिकाओं में दो याचिकाओं पर अभी जो निर्णय आया है या कोर्ट का जो डायरेक्टिव आया है वो दो याचिकाओं पर आया है। चूंकि अब नए सिरे से याचिका दाखिल करनी, तो जाहिर सी बात है पिछली याचिकाओं का जो विषय है एक तरह से खत्म हो गया। वो तीसरी याचिका आज भी विचाराधीन है। वो तीसरी याचिका जो थी खारघर सोसाइटी फेडरेशन की थी, उसका क्या स्टेटस है अभी? उनको 29 अगस्त को वापस उनका सुनावनी होने वाला है। इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग, जिन लोगों से आपने अपील की थी कि जब तक ये मामला विचाराधीन है कोर्ट में, इस पे अंतिम फैसला आना बाकी है, तब तक कोई भी बकाया टैक्स जो संपत्ति कर है वो ना भरे, अधिकांश लोगों ने आपकी बातों पर अमल किया और इस पूरे अभियान को या पूरे संघर्ष को उन्होंने समर्थन दिया। जो सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता है वो खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा एक तरह से खत्म हो गया है और लोगों को अब टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे आखिरी फैसले का, उनके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी या जो उनको लेट पेमेंट लगेगा उसके लिए सवाल उठाया जा रहा है, इसके लिए क्या खारघर फोरम सहायता करेगा, क्या मदद करेगा, क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमने कहीं भी इसमें बताया नहीं है कि खारघर फोरम का केस डिसमिस हो गया है, डिसमिस हुआ ही नहीं है। हमारी केस बॉम्बे हाईकोर्ट में चलती रहेगी और डिसीजन हमारा आना बाकी है, तो कहीं भी बात खत्म नहीं हुई अभी तक और हम लोग अंतिम मोड़ तक लड़ते रहेंगे। जनता को आप कैसे समझाना चाहती हैं कि वो जो विश्वास था उनका कि ये संघर्ष अभी भी जारी है, कानूनी संघर्ष, कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है, ये कैसे आप डिफाइन करके उन्हें समझाएं? इसलिए जो मैंने आज पत्रकार परिषद ली है इसी के बारे में ली है, क्योंकि जिस तरह से गलत न्यूज फैलाई जा रही है कि आपकी खारघर फोरम की याचिका रद्द हो गई है, डिसमिस हो गई है, रिजल्ट भी आ गया है बट कोई रिजल्ट आया नहीं है और हमारी याचिका डिसमिस भी नहीं हुई है, डिसीजन कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है, डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आपकी जो याचिका है ये पब्लिक के लिए है तो इसे आप PIL में दाखिल कीजिए, इतनी ही बात हुई है। और जो हमारे मेरिट के जो विषय है वो तो अभी आना बाकी है, तभी हमारी जो लड़ाई है वो चालू होगी। देखिए,
कामोटे कॉलोनी फोरम की तरफ से हमने मंगेश अड़ाव और अन्य 9 लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल की थी, जो कि बार बार बताया जा रहा है कि 2 याचिका के ऊपर निर्णय हुआ और डिसमिस की गई है। तो हमें जो जानकारी हमारे एडवोकेट से प्राप्त हुई है, बिकॉज देखिए आज भी हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर में क्या लिखा है ये तो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही शब्द टू शब्द हम लोग बात कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने हमारी तरफ से कोर्ट में युक्तिवाद किया था उन एडवोकेट के तरफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अपनी जो केस है वो डिसमिस नहीं हुई है, डिस्पोज नहीं हुई है। मंगेश अड़ाव एक इंडिविजुअल याचिकाकर्ता थे, इंडिविजुअल पिटिशनर थे, और जो हमने कोर्ट में प्रेयर की थी, विनंती की थी, उसमें हमने बोला था कि रेसिडेंट ऑफ द सेड एरिया, इन एरिया में रहने वाले लोगों को इस गलत टैक्स का प्रभाव हो रहा है। तो कोर्ट ने उसके ऊपर सुनावनी देते हुए बोला कि आप PIL में नहीं हो, आप जनहित याचिका में नहीं हो, आप एक वैयक्तिक याचिका करता हो, तो आपको जनता के लिए ना बोलते हुए आपके इंडिविजुअल जो भी 9 याचिका करता है उनके बारे में बात कीजिए, और हमें ये निर्देश देते हुए बोला है कि आप अपनी याचिका दाखिल करते हुए आप याचिकाकर्ताओं के ही बारे में बात करें, यू टॉक अबाउट ओनली द पिटिशनर नॉट फॉर द रेसिडेंट ऑफ द सेड एरिया। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मामला सामने नहीं आया, ये तो अच्छी बात है, हम तो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से जनता के बारे में बात कर रहे थे कि जनता को रिलीफ मिलना चाहिए, बट जो टेक्निकल एंगल होता है कोर्ट में रीट और PIL का, तो रीट में पिटिशनर के बारे में डिमांड की जाती है, जो प्रेयर होती है वो लिमिटेड टू पिटिशनर होती है। तो कोर्ट ने हमें गाइड किया कि यू आर रिट पिटिशनर, तो आप पिटिशनर के बारे में बात कीजिए। कोर्ट में हमारी केस चलने वाली है बिकॉज कोर्ट ने हमें 15 दिन का टाइम दिया है, हमें लिबर्टी दी है, स्वतंत्र दिया है कि आप इस याचिका को आगे चला सकते हो विद दिस करेक्शन, जो भी कोर्ट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए। तो हमारे एडवोकेट जो है आने वाले अगले हफ्ते में ही कामोटे कॉलोनी फोरम की जो हमारी इंडिविजुअल रिट पिटिशन थी वो करेक्शन करके हम लोग रिट दाखिल करने वाले हैं। तो जब PIL नहीं रहेगी, PIL खारगर के बारे में बोला है, खारगर कॉलोनी फोरम एक संस्था है तो उन्हें PIL के लिए डायरेक्ट किया है। मंगेश अड़ाव एंड अदर 9 हम लोग इंडिविजुअल पिटिशनर है तो हमें रीट में ही बोला है, बट रीट में बोलते हुए बोला है कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो प्रे कर रहे हो, वो आपको पिटिशनर तक ही सीमित रखना पड़ेगा। तो इस मामले में वो छोटा सा करेक्शन करके हम लोग कोर्ट में अगले हफ्ते में दाखिल करने वाले हैं। अजय सर क्या कहेंगे आप, क्या कैसे इसको हम कहें कि आप अभी भी हारे नहीं है और अभी भी अंतिम फैसला आना भी बाकी है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि फोरम हार गया है और जो याचिकाएं हैं उनको पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसे कैसे ठीक करेंगे, इसका समाधान कैसे? हाँ, तो आज जनता में जो मैसेज जाना चाहिए उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और आपको कहना चाहता हूँ इसके पहले भी ये दो जो PIL दाखिल की थी, एक JP खरगे और अपने महादेव वाघमारे, तो तभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसका निरीक्षण करते हुए ये कहा था कि आप ये PIL नहीं कर सकते, आपको इसको रीट पिटीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उनको जो बेसिस पे वो किया बोला था वही बेसिस अपने को जब जनहित याचिका रीट पिटीशन को जनहित याचिका में दाखिल करने को कहा गया है, यही लोगों को तक पहुंचना चाहिए, लोगों को जो सब्जेक्ट गया है कि ये डिसमिस हो गई, डिस्पोज हो गई, लेकिन नहीं, ये तो कन्वर्जन की ही बात है, सिर्फ रीट पिटीशन को PIL में दाखिल करना है, यही बात है, यही जनता तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि ये कहीं अपना लड़ाई यहाँ रुका नहीं है, ये अभी जारी हुआ है लड़ाई, सिर्फ ये जो टेक्निकल ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का उसको अपने को रेक्टिफाई करना है। मैम आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद आप लोग करना, आपने कहा था कि तब तक टैक्स ना भरा जाए बकाया जब तक कि आखिरी फैसला नहीं आता है, और कोर्ट का जो जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही थी वो बहुत सारा सकारात्मक था, इस पर पॉजिटिव फैसला ही आने वाला था क्योंकि जनता के ऊपर आप दोहरा टैक्स नहीं ला सकते। अब जब ये स्थिति है कि अभी आगे और भी लीगल प्रोसीजर आगे बढ़ गया है, ऐसे में क्या अपील आप करना चाहिए, क्या अब लोग टैक्स भरें, या जैसे आपने पहले अपील की थी कि जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक आप होल्ड कीजिए, तो होल्ड लोग करें? जनता खुद जानती है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, जनता को भी खुद ये टैक्स मान्य नहीं है, इसलिए जनता ने आज टैक्स नहीं भरा है, आज 95% लोगों ने टैक्स नहीं भरा है,
और सब पूरी जनता असहकार आंदोलन में शामिल हुई हुई है। इसी का मतलब है कि जनता टैक्स भरना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि हमें न्यायालय लड़ाई लड़े और हम जीतें, ये जनता की भावना है। तो मैं कहीं भी जनता की भावनाओं को मैं दुखाना नहीं चाहती हूँ, और हमारी जो लड़ाई वो चल रही है वो चलती रहेगी, अंतिम श्वास तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि आप डरे नहीं, किसी के दबाव में न आकर आप अपना जो असहकार आंदोलन है जारी रखें और हमारी जीत निश्चित है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।